हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय व्लॉग। आज बहुत दिनों बाद व्लॉग अपलोड कर रही हूँ, इसलिए थोड़ी सी एक्साइटमेंट हो रही है। पर इधर बीच एग्ज़ाम्स, पढ़ाई और मेरी भी थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी, इसकी वजह से मैं व्लॉग बिल्कुल भी अपलोड नहीं कर रही थी। तो आज ये व्लॉग है हमारे एक छोटे से टूर का, जो कि हमने किया था मजनू के टीले का टूर। और ये नाम जितना यूनिक है उतनी ही यूनिक या इस नाम के पीछे की कहानी है। वैसे ये 15th सेंचुरी की कहानी है, जब सिकंदर लोदी के फेज़ में यहाँ पे एक सूफ़ी सेंट रहा करते थे और उनका नाम था मजनू और वो यहाँ रहते थे, इसलिए ये हो गया मजनू का टीला। यहाँ आने के बाद आपको एक मिनी तिब्बत देखने को मिलेगा। अपने खाने, अपने लैंग्वेज, अपने रहन सहन, अपने कल्चर के थ्रू आज भी इन लोगों ने तिब्बत के उस रिच हेरिटेज को संभाल के रखा हुआ है। यहाँ आने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि आप तिब्बत की गलियों में घूम रहे हैं। सो बेसिकली एक तिब्बतन रिफ्यूजी कॉलोनी है, जो एक दिल्ली का फेवरेट टूरिस्ट स्पॉट बन चुका है, स्पेशली दिल्ली के उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जिनको लाफिंग्स और मोमोज बहुत पसंद है। मैं जब वहाँ पहुँची तो एक कल्चरल प्रोग्राम हो रहा था और लकीली मुझे भी उसका पार्ट बनने का मौका मिला। वो अलग बात है कि मैं डांस का स्टेप नहीं समझ पा रही थी, तो मैं यूं ही हाथ पांव मार रही थी, बट हाँ मैंने इन्जॉय बहुत किया। तो चलिए अब मजनू के टीला की गलियों में लैला बनके मैं चलती हूँ और देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या मिलता है। यहाँ पे आपको बहुत सारे तिब्बतन फूड्स एंड आपको कोरियन कुजीन के रेस्टोरेंट्स मिलेंगे। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे बहुत बड़ी तिब्बतन मार्केट है, जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, वो भी बहुत ही अफोर्डेबल प्राइजेस पे। और हाँ, अगर आप कोरियन फूड लवर हैं देन दिस प्लेस इज़ हेवन फॉर यू। यहाँ पे किमची, रैमन, नूडल्स एंड चिप्स, बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। जैसे आप अपने सामने ये स्टॉल देख रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारे तिब्बतन ड्रेसेस और उनकी जो माला होती है जिससे वो मेडिटेशन करते हैं, मुझे नाम नहीं पता है, और बहुत सारे कोरियन रेस्टोरेंट्स थे। तो ऐसे ही एक रेस्टोरेंट था जो जिसका नाम था ट्रेन टू बुसान। ये फिल्म अगर आपने देखी होगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और हम लोग भी वहाँ पहुँच गए और यहाँ पे हमने अपना ये BTS वाला स्टेप दिया। और इसके बाद चलिए अब मेन्यू में देखते हैं क्या है। वैसे मुझे ऑर्डर करने में बहुत टाइम लगा, क्योंकि मुझे प्रॉपरली पूरा इंग्रेडिएंट पढ़ना पड़ रहा था, क्योंकि मुझे नाम नहीं समझ में आ रहे थे। और उसके बाद हमें स्टार्टर में ये किमची मिला खाने के लिए एंड थोड़ा सा सॉफ्ट पोटैटोज़ था और कुछ चीज़ें थी जो मुझे बहुत समझ नहीं आई, बट हाँ टेस्टी थी। उसके बाद जब तक ऑर्डर नहीं आ रहा था हम लोग ये किमची ट्राई कर रहे थे एंड बहुत सॉल्टी था, बहुत खट्टा था। बेसिकली इट्स अ कोरियन अचार जो कि आप डायरेक्टली खाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा खट्टा लगने वाला है। और मैं यहाँ पे शो ऑफ कर रही थी कि देखो मैं चॉपस्टिक यूज़ कर सकती हूँ, और ये देखिए मेरा एक्सप्रेशन था किमची के लिए। एंड इसके बाद हमने ऑर्डर किया, सुशी ऑर्डर किया, देन रैमन ऑर्डर किया, उसके बाद एग सुशी था एंड चिकन रैमन था। सब ने अपना अलग अलग ऑर्डर किया था। कुछ लोग का मंगलवार चल रहा था तो उनका वेज सुशी था, और जो मंगलवार को नहीं मानते उन्होंने अपने लिए एग सुशी मंगा के रख लिया था। फूड वॉज़ वेरी गुड, बट वो देसी तड़का नहीं था। हम लोग की आदत हो गई हर चीज़ में मिर्ची एंड मसाले की, और हम लोग अपना थोड़ा शो ऑफ में भी लगे हुए थे, चॉपस्टिक यूज़ करके दिखा रहे थे, बट इट वॉज़ वेरी स्लिपरी, क्योंकि वो स्टील के चॉपस्टिक हमें प्रोवाइड करवाए गए थे उस रेस्टोरेंट में एंड उसकी वजह से बहुत इशूज़ हो रहा था। ये तो था मेरे मजनू के टीला का एक्सपीरियंस। Hope you enjoyed this small vlog and please like, share and subscribe my vlog channel and hope you like it. Keep loving.